Salve da now. ओडिशा प्लस खबर ही रायरंगपुर छठ पूजा महासमारोह संपन्न। छठ पूजा हेउचे हिंदू धर्मर विशेष पर्व। एथिरे सूर्यदेव को पूजा करा जाय थाए। एहा दीपावली छ दिन परे हुई थाए। एहा मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल एवं भारत बहु स्थान रे पूजा अर्चना करा जाय थाए। एहा चार दिन व्यापी पूजा करा जाय थाए। प्रथम दिन छठ व्रत आरंभ, द्वितीय दिन छठ ठाकुर को आवाहन, तृतीय दिन संध्या समय सूर्य ठारे अर्घ्य प्रदान, चतुर्थ दिन प्रातःकालीन उदयकालीन सूर्य ठारे अर्घ्य प्रदान, छठ माँ व्रत समापन। यह वैदिक युगर आरंभ हो लोकमानंकर कल्याण निमित्त विशेषकर बिहार एवं मारवाड़ी संप्रदाय लोके पूजा अर्चना करिथांती। रायरंगपुर सहरस्थ खड़खाई बंध तीर छठ पूजा महासमारोह पालित हो जाए। रायरंगपुर छठ पूजा सामाजिक और सांस्कृतिक ट्रस्ट कर्मकर्ता मैंने विशेष भाव में सहयोग करते। सेमानकर विजय कुमार राम, अध्वेशा मिश्र, विनोद कुमार दास, राजेश प्रजापति, लालबाबू साहू, मदन रजक, किशोर रजक, छटू यादव, सौरभ पटनायक, रवींद्र साहू, मयंक मिश्र, रंजन राम एवं राजेश राम प्रमुख उपस्थित रही छठ पूजा उत्सव को अधिक चिताकर्षक करते। एथसहित पुलिस प्रशासन, अग्निवाहिनी तथा अन्य अफिसरगण विशेष साहय सहयोग प्रकाश कर देखा मिलता। रायरंगपुर सामलंत परिणा रिपोर्ट ओडिशा प्लस। इतना प्रभाव है हम लोग का, इतना ज्यादा है कि हम लोग मैच को छोड़ के यहाँ पे हम लोग अर्घ देने के लिए आए हैं। जय छठी मैया की। और आज छठ पर्व है, सबको साथ में बिलाने के लिए छठ की पूजा होती है और इनकी बहुत गुणगान होती है। और ये छठ मैया की कृपा है कि उड़ीसा जैसी जगह पे भी छठ मैया का इतना धूमधाम से पर्व मनाया जाता है। जय छठ मैया। आज छठ का महापर्व है। छठ बिहार में ही नहीं पूरे भारत में मनाया जाता है और इसका नियम बड़ा कड़ा है। 36 घंटा का व्रत प्रायः इसे औरतें करती हैं, पुरुष वर्ग भी करते हैं, किंतु प्रायः औरतें इस व्रत को करती हैं अपने सुहाग के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए। और सूर्य जो निरोगी काया देते हैं, छठी मैया जो संतान देती हैं, और इस प्रकार से छठ और सूर्य दोनों का एक साथ बड़ा महत्ता है। और इसमें व्रती नदी घाट पर जाकर के पूजन करते हैं, बालों के ऊपर में गोल सा वेदी बनाते हैं, उसे शिरसोपता कहते हैं। उस शिरसोपता के ऊपर में सिंदूर, दाईपन इत्यादि से पूजन करते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। नहाए खाए से प्रारंभ होकर के पारण तक का यह छठ चार दिन का पर्व है। नहाए खाए यानी उस दिन से व्रत का नियम प्रारंभ हो जाता है और दूसरे दिन खरना, इसमें खीर का भोग लगा करके माँ षष्ठी को आवाहन करते हैं और उनका वरण करती है, निमंत्रण देती हैं। और दूसरे दिन सायंकाल में घाट पर जाकर के छठी मैया के पूजन के साथ साथ अस्तगामी सूर्य का अर्घ देती हैं। और इस चौथे दिन प्रातःकाल में उदय उदयाचल सूर्य को अर्घ दे करके व्रत का पारण करते हैं। जय छठी मैया। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ करते हैं, हर सेवी भक्तजनों का अच्छे से स्वागत करते हैं, अच्छे से साफ सफाई की मैटर भी बहुत अच्छा है। और जैसे कि हर लेडीज़ को एक चाहिए कि सेफ्टी, तो वो सेफ्टी भी यहाँ पे है। जय छठी मैया। ये छठी छठ पर्व जो है हम बिहारियों का बहुत ही महान और सर्वश्रेष्ठ पर्व, जिसको हम लोग हर स्टेट में मानते हैं। आज के दिन में ये बिहारी के साथ साथ और भी संप्रदाय के लोग इस पर्व को मानते आ रहे हैं। यह पर्व चार दिन का हम लोग का होता है। पहला दिन होता है नहाय खाय, जिसको हम लोग कहते हैं, दूसरा दिन होता है खरना, तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ, जो कि आज का दिन, और चौथा दिन सूर्य उदय अर्घ करके हम लोग इसको पारण करते हैं। इस पर्व के लिए हम लोग दुर्गा पूजा
खत्म होने के बाद दिवाली खत्म होने से हम लोग लग जाते हैं इस पर्व का तैयारी। इस पर्व का तैयारी हम लोग 15 दिन पहले से ही लग जाते हैं, कैसे भी हो छठी माई का पूजा हम लोग करना है। जय छठी। कांग्रेस सभापति हूँ और इस छठ पर्व का आयोजन हो रहा है बिहारी समाज और जो रायरंगपुर के जो इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं और आज का दिन शाम को अर्घ देने का होता है और कल सुबह आने वाले सूर्य उदय के समय अर्घ दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा पर्व बिहार बिहारी लोग के लिए है और इसमें सब कोई बहुत उत्साह के साथ भाग लेते हैं। ये कितना दिन से पालन कर रहे हैं? हमको बहुत दिन हो गया, 35 साल हो गया। ठीक है। छठ पर्व सांस्कृतिक और सामाजिक ट्रस्ट छठ महोत्सव छठ महापर्व 2023 में आप सबों का स्वागत करती है। अभिनंदन सभी छठ भक्तों का, सभी छठ प्रेमियों का। माँ छठ अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। यह एक महापर्व है और हम कमेटी हम ट्रस्ट के तरफ से आप लोगों के लिए हम भरसक प्रयास करते हैं कि कैसे छठ व्रती जो इतने लंबे समय से वो व्रत रखते हैं तो उन्हें कोई तकलीफ ना हो। प्रशासन का सहयोग रहता है, पुलिस का सहयोग रहता है, दमकल विभाग, रायरंगपुर टाउन पुलिस, हॉस्पिटल, बांकवल डैम प्रोजेक्ट, खड़काई डैम प्रोजेक्ट, प्रेस मीडिया, सभी रायरंगपुर के शहरवासियों सभी का सहयोग रहता है और हम सभी को धन्यवाद देते हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए, हम और आप मिलकर आयोजन करते रहेंगे छठ महापर्व हर वर्ष। धन्यवाद। ओडिशा प्लस खबर ही।